नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइंत्रा। भारतीय वायुसेना के बालाकोट एयर स्ट्राइक और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से ही पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाया हुआ है। वो भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटा है, हालांकि उसे इसमें सफलता नहीं मिल रही है। इस बीच पिछले महीने पाकिस्तान ने कुछ ऐसी हरकत की थी जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता था। दरअसल पाकिस्तान के फाइटर जेट ने काबुल जा रहे एक भारतीय विमान को अपने एयर स्पेस में करीब एक घंटे तक घेर कर रखा था। स्पाइस जेट की इस फ्लाइट को पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों ने घेर लिया था और पायलट से ऊंचाई घटाकर उससे फ्लाइट डिटेल मांगी थी। ये घटना 23 सितंबर को हुई थी। स्पाइस जेट की SG-21 विमान दिल्ली से काबुल के उड़ान पर था। विमान में 120 यात्री सवार थे। ये घटना तब हुई जब पाकिस्तानी एयर स्पेस को भारत के लिए बंद नहीं किया गया था। सूत्रों ने बताया कि भारतीय विमान के पायलट ने F-16 विमान के पायलट को बताया था, ये स्पाइस जेट की कमर्शियल फ्लाइट है, इसमें सवार यात्री काबुल जा रहे हैं। जब पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने भारतीय विमान को घेरा था तो F-16 को विमान में सवार यात्रियों ने भी देखा था। एक यात्री ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि F-16 विमान के पायलट ने हाथ के इशारे से भारतीय विमान के पायलट को विमान को नीचे लाने के लिए कहा। सूत्रों के अनुसार हर फ्लाइट का एक कोड होता है, जैसे स्पाइस जेट विमान का कोड SG था। इसके कारण पाकिस्तानी ATC को कंफ्यूजन हो गया और उसने स्पाइस जेट को IA समझ लिया और उसे इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स समझ लिया। जब पाकिस्तानी ATC ने बताया कि भारत से एक विमान IA कोड के साथ आ रहा है तो पाकिस्तान ने F-16 विमान को उसे घेरने के लिए भेज दिया। DGCA के अधिकारियों ने बताया कि जब कंफ्यूजन की स्थिति खत्म हुई तो पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने भारतीय विमान को पाकिस्तानी एयर स्पेस से बाहर तक छोड़ा। एक यात्री ने बताया कि जब पाकिस्तानी F-16 विमान हमारी फ्लाइट के करीब थे तो सभी यात्रियों को चुप रहने और अपनी खिड़कियां बंद रखने को कहा गया था।